Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. I welcome you all into the video session of Kantab Publishers. Before we go into the topic, make sure that you are having a book of General Science Class 1 CSS series, and along with that it will be far better to have the workbook as well, because humne jo activities साइंस बुक में करनी है उन सब का प्रैक्टिस पूरा का पूरा आपके पास वर्कबुक में मौजूद है, और इसके अलावा समर पैक मौजूद हो तो इससे ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ समर वेकेशंस जितना टास्क दिया गया है वो आप करके आपकी लर्निंग और इन्हांस हो जाएगी। और इसके साथ अगर कहीं जरूरत पड़ती है तो कैंटब पब्लिशर्स ने आपके लिए रिसोर्स बुक भी अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड किया हुआ है। Dear students, we are going towards types of plants. So, what we will study in this SLO, that you will recognize the different types of flowers you see around you. तो आप मुझे मेरे प्यारे बच्चों बता दो कि आपने अपनी सराउंडिंग्स में किन किस्म के प्लांट्स देखे थे? शाबाश। Okay. You have seen rose plant? Yes, of course you have seen. Did you see daffodils? Okay, you tell me, what is the national flower of Pakistan? You have studied in your KG class? Jasmine, to aapne wo bhi dekha hai. Okay, iske ilawa, have you ever seen the mango plant? The plant of an orange? The plant of an apple? Okay. Let me tell you what is written here. There are different types of plants. Some are flowering plants and some are non-flowering plants. Today specifically we will study about these two types. Flowering plants kaun se hain, non-flowering plants kaun se hain. Flowering, number one, flowering plants produce flowers and fruits. Flowers is connected with fruit. Jahan aapko फ्लावर नजर आए, जान जाओ कि इससे क्या बनेगा, इससे फ्रूट बनेगा। सो यहां पे वी आर हैविंग फ्यू एग्जांपल। रोज इज अ फ्लावरिंग प्लांट, इट बियर्स फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्रिटी कलर्स विथ प्लीजेंट स्मेल। डैफोडिल्स आर आल्सो फ्लावरिंग प्लांट्स, दे बियर फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्रिटी कलर्स। कुछ प्लांट्स प्यारे बच्चों आपने ऐसे देखे हैं कि वो जब छोटे होते हैं, स्मॉल प्लांट होते हैं, तो उनके फ्लावर्स नहीं होते, लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो उनके ऊपर फ्लावर्स आ जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू शो यू सम प्लांट्स एंड यू ट्राई टू रिकॉग्नाइज कि ये कौन से प्लांट्स हैं। दिस इज easier for you, which plant is this flowering plant? Jasmine. Yes, well done my dear students, I'm happy that you have recognized. This is very easy, you have seen all the time. This is rose, and here you see this white flower, but you here also see orange with it, so you can simply say this is orange. Now you tell me, which plant flower is this? We are studying flowering plants. तो आप मुझे ये बताओ कि ये कौन सा plant है, किस plant का? Should I give you any clue? शाबाश, आप लोग guess करो। ये उस fruit का flower है जो बहुत ही मीठा होता है और आप गर्मियों में खाते हैं। शाबाश, गेस करो। और आपको इसके मुख्तलिफ किस्में होती हैं, और ये वो फ्रूट है जो पाकिस्तान एक्सपोर्ट भी करता है पूरी दुनिया को। मैंगो, दिस इज मैंगो। अभी कहानी बाकी है मेरे बच्चे। ये किस चीज का है? यू सी द ब्यूटिफुल ब्राइट कलर्स। ये किसका, ये जो आपको पर्पल कलर के फ्लावर नजर आ रहे हैं, ये किस चीज का है? बिकॉज दिस इज रेयर टू सी इन हाउसेज, यानी मैंगो ट्री इज कॉमन वी सी, बट दिस इज क्वाइट रेयर
that you see and this is an apple. ये किस चीज का है? एप्पल का है. एप्पल के किस कलर के फ्लावर्स होते हैं? पर्पल, ब्राइट पर पिंक पर्पल कलर के होते हैं, पिंकिश. नाउ ये दिस इज ब्यूटिफुल फ्लावर्स, व्हाइट फ्लावर विद येलो सेंटर. नाउ माय डियर स्टूडेंट, ये मुझे बता दें, ये भी बच्चों का फेवरेट फ्रूट है, लेकिन आप लोग मुझे बताओगे, शाबाश, नहीं आ रहा. दिस इज स्ट्रॉबेरी. आप लोग सोचोगे कि स्ट्रॉबेरी तो इतनी रेड होती है और इसका फ्लावर व्हाइट होता है. सो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज स्ट्रॉबेरी फ्लावर. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू शो यू सम नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स एज वेल. सी दीज, दीज आर सिक्स डिफरेंट नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स इन दिस. वन थिंग इज के फ्लावर्स हमेशा गार्डन में अच्छे लगते हैं, लेकिन आपको मैं बताऊं कि ये वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है जो फ्लावरिंग प्लांट से ज्यादा लोग अपने गार्डन में, अपने लाउंज में रखते हैं, क्योंकि दीज आर एवर ग्रीन एंड दिस इज अदर कलर्स अदर देन ग्रीन कलर्स, ब्यूटिफुल, बट दीज आर नॉट फ्लावर, दीज आर लीव्स एंड दिस इज ऑल्सो अनदर एवर ग्रीन नॉन फ्लावरिंग प्लांट एंड दिस इज ऑल्सो नॉन फ्लावरिंग प्लांट. सो माई डियर स्टूडेंट्स, यू सॉ द डिफरेंस, यू सॉ द डिफरेंस बिटवीन फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. जस्ट हम ग्लांस थोड़ा सा हम बुक की तरफ जाते हैं. सनफ्लावर इज अ प्लांट, इट हैज फ्लावर्स ऑफ प्रिटी येलो कलर्स, ये भी आप लोग देख चुके हो. एंड दिस इज ऑरेंज, व्हाट आई हैव ऑलरेडी शोन इट टू यू. इट हैज ब्यूटिफुल फ्लावर्स एंड बियर्स फ्रूट. एंड एप्पल, एंड एप्पल इज नॉट, दिस इज पोमेग्रेनेट. एप्पल आई हैव ऑलरेडी शोन फ्लावरिंग प्लांट, इट गिव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स बोथ. पोमेग्रेनेट इज ऑल्सो फ्लावरिंग प्लांट, इट बियर्स रेड कलर स्मॉल फ्लावर्स एंड देन ब्यूटिफुल फ्रूट एज वेल. सो वेन यू लुक ऑन नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, सो दीज आर मोस्टली ऑर्नामेंटल एंड ब्यूटिफुल ग्रीन कलर प्लांट्स. Those plants which do not bear flowers are non-flowering plants. These are mostly evergreen plants. Fern is non-flowering plant. Its leaves are green and do not bear flowers. Palm plant is also non-flowering plant. Its leaves are evergreen. My dear students, yahan pe one information is here, and that is mint. Have you ever seen mint at your home? जब आपके वेजिटेबल्स लाते हैं तो उसमें भी माय डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को मिंट नजर आता है, प्यारी स्मेल है. हां, कभी कभार हमें मिंट फ्लेवर की चाय भी मिलती है, ग्रीन टी भी हम पीते हैं. मिंट के बारे में इनिशियली ये है कि ये नॉन फ्लावरिंग है, ये फ्लावरिंग प्लांट भी है और कुछ इनके जो टाइप्स हैं वो क्या है, वो फ्लावरिंग है और ये नॉन फ्लावरिंग भी है. इसके कुछ जो टाइप्स हैं वो क्या है, वो नॉन फ्लावरिंग है. सो वी कैन से मिंट इज अनदर नॉन फ्लावरिंग, बट इन मोस्टली वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट दिस इज आल्सो अ फ्लावरिंग प्लांट एज वेल. सो मिंट कैन बी कंसिडर्ड एज अ सम ऑफ द स्पीशीज, सम ऑफ द टाइप ऑफ मिंट आर नॉन फ्लावरिंग एंड सम ऑफ द टाइप ऑफ मिंट प्लांट्स आर फ्लावरिंग इन नेचर. माई डियर स्टूडेंट, नाउ दिस इज द टाइम ऑफ योर होमवर्क. आपने फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को देखा, मैंने आपको डिफरेंट पिक्चर्स दिखाए और आपने गेस किया, किसी ने सही गेस किया, किसी ने गलत गेस किया, बट वट एवर, ये चलता रहेगा मेरे प्यारे बच्चों. होमवर्क वर्क बुक निकाल दें और साथ में वर्क बुक करने के बाद समर पैक में आज की एक्टिविटी जरूर कर ले, बिकॉज अगर आज आप नहीं करोगे देन यू विल फॉरगेट फॉर टुमारो. सो बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज.